हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का, जो है संप्रेषण के कार्य, यानी व्यावसायिक संप्रेषण के कार्य। कहीं पर भी व्यावसायिक संप्रेषण लिखा हुआ आ जाए, व्यावसायिक संचार लिखा हुआ आ जाए, संदेश वाहन लिखा हुआ आ जाए, अंग्रेजी में ये कम्युनिकेशन ही लिखा हुआ होगा। और यहां पर मैं बता दूं कि इसके जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में 3-4 क्वेश्चन है जो हर वर्ष रिपीट होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है और इसकी विशेषता और प्रकृति समझाइएगा। दूसरा क्वेश्चन जो संचार है उसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, और तीसरे नंबर पे इसके कार्य पूछ लिए जाते हैं, फिर चौथे नंबर पे मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से मॉडल्स हैं, और लास्ट में संप्रेषण की बाधाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं यहाँ पर कि व्यावसायिक संप्रेषण के कौन कौन से कार्य हैं। और अगर आपके लिए नया कोर्स लग रहा हो, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, तो हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प के लिए है। 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जिस पर हो सकता है आपको देर से जवाब मिल पाए, रिप्लाई देर से हम कर पाए, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए समझाते हैं आपके लिए कि कौन कौन से कार्य हैं जो व्यावसायिक संप्रेषण द्वारा पूरे होते हैं। कार्य का मतलब क्या होता है कि व्यावसायिक संप्रेषण हमारा कहां कहां साथ देता है, वो सारे के सारे कार्य ही बदल जाते हैं। ओके, तो व्यावसायिक संप्रेषण का पहला जो हमें सहयोग मिलता है वो मिलता है नवीन सूचनाएं प्रदान करने में। देखो, व्यावसायिक संप्रेषण का सूचनाएं लेना और सूचनाएं देना, यही तो मुख्य कार्य है। तो पहला जो कार्य होता है वो होता है नवीन सूचनाओं का आदान और प्रदान, यानी जो नवीन सूचनाएं हैं वो हमारे लिए भी मिलती हैं, हम भी किसी व्यक्ति के लिए देते हैं, अपने ग्राहकों को देते हैं, अपने मैनेजर देते हैं, प्रबंधक को देते हैं, जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनके लिए देते होते हैं। ओके, तो पहला जो कार्य है वो है नवीन सूचनाएं प्रदान करना, ठीक। दूसरा है व्यापार के विस्तार में सहयोगी। देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, और बिजनेस इतना ग्रो करे कि वो जो काम कर रहा है उससे कई गुना आने वाले समय में कस्टमर्स भी बढ़े, उसकी सेल्स भी बढ़े, और उसका जो बिजनेस है वो भी दूर दूर तक फैले। तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो दूसरा कार्य इसका जो व्यवसाय है उसमें ग्रो कराना है, यानी विस्तार में सहयोग करना है। किस तरह से विस्तार में सहयोग करेगा? देखो, जो भी हमारे पास कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, उन कस्टमर्स के अलावा जो नए कस्टमर्स हैं उनसे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं पर कम्युनिकेशन के साधनों का ही प्रयोग करना होता है। अगला है ग्राहकों को सुविधाएं। भाई, जब ग्राहकों को घर बैठे नई नई सूचनाएं मिलती चली जाती हैं, या जरूरी सूचनाएं मिलती चली जाती हैं, या उनसे बीच बीच में घर बैठे ही संपर्क होता हुआ चला जाता है, तो ग्राहकों के लिए भी आने जाने में असुविधा नहीं होती है। वो घर बैठे ही सारी जानकारी जो हमारे यहाँ आकर के प्राप्त करते उनको अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ग्राहकों को भी सुविधाएं रहती हैं। तो ये तीसरा इसका कार्य है, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ में व्यापारी को भी सुविधा प्रदान करता है ये। ओके, अगला है समय व श्रम की बचत। देखो, जब कम्युनिकेशन की जो साधन है, सोर्सेज है, उनके थ्रू हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, अपनी बात को कह लेते हैं, दूसरे की बात सुन लेते हैं। जैसे मोबाइल फोन ही है वर्तमान समय में, आप अगर दूसरे व्यक्ति के घर पे जाओगे तो आपको ईंधन भी खर्च करना होगा, रुपया पैसा भी यातायात में खर्च करने होंगे, समय भी बर्बाद करना होगा। लेकिन वहीं पर जो कम्युनिकेशन के साधन है, अगर उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे ही सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, और हमारा समय भी बचता है और श्रम की भी बचत होती है। तो अगला जो इसका जो कार्य है वो समय और श्रम की बचत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं। देखो, कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचनाएं देनी होती हैं कि प्रतिदिन की जो कार्य योजना होती है, जो वर्क प्लानिंग होता है, उसके लिए पूरा कराना होता है। तो आज के समय में प्राचीन समय में बहुत अंतर हो गया है। प्राचीन समय में किसी भी कार्य को ऐसे जल्दी कर लिया जाता था, लेकिन अब कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो उसकी पहले प्लानिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि प्लानिंग के तहत जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी 50% सफलता तो पहले से ही मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों के लिए क्या हमारी प्लानिंग है, ये सब चीजें कौन बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही पूरी हो पाती है। तो इसका अगला ये कार्य होता है कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करना, और कर्मचारियों के द्वारा उन सूचनाओं को फिर फॉलो करना। अगला है प्रबंधकों को सूचना उपलब्ध कराना। देखिए, प्रबंधक डेली बिजनेस में नहीं आते हैं, जहां पर बिजनेस चल रहा होता है, ऑपरेट हो रहा होता है,
वहां पर डेली प्रबंधक लोग नहीं आते, वो कहीं अपने और बैठे होते हैं या अन्य कामों में संलग्न होते हैं, वो वहीं से बैठे बैठे और सारी सूचनाएं लेते रहते हैं। तो प्रबंधकों को जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी उपलब्ध हो जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन के माध्यम से। ये इतनी मैंने आपको हेडिंग्स दी है, किसी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 15 हेडिंग मिलेगी तो 3-3.5-4 पेज तो आपके यही कवर कर देंगे, क्योंकि इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें आपको और लिख देनी है। जो सुन रहे हो बस वही एक नया दी, हमारे चैनल पे सबसे सरल तरीके से पढ़ाया जाता है और इतनी हेडिंग्स दी जाती है कि शायद आपको किसी के चैनल पे नहीं मिलेगी। आप हर जगह देखने के बाद में तब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है अवप्रेरणा देना। अवप्रेरणा क्या होती है? अवप्रेरणा एक प्रकार का ज्वलनशील ईंधन के समान है जो किसी कार्य को करने के लिए अथवा ना करने के लिए प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भरती है। ऐसे गुण के लिए हम क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जब कोई भी कर्मचारी या कोई भी हमारे वर्कर्स हैं वो थकान महसूस कर रहे हो तो उनके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स को लाना, ऐसे बिंदुओं को लाना, ऐसी बातों को लाना जिससे उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो, और उसी को हम कहते हैं और प्रेरणा देना। और जितना हमारा अच्छा कम्युनिकेशन का कार्य होगा उतनी ही अच्छी मोटिवेशन उनके लिए मिलेगी। अगला है श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि। देखो श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जो श्रमिक होते हैं वो भी कभी कभी कार्य के प्रति उदासीन होने लगते हैं, यानी कार्य में उनका मन नहीं लगता है। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करके और कार्य के प्रति तैयार कर सकते हैं और उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं और उनको याद दिला सकते हैं कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा है और वो क्या क्या कर सकते हैं और वो हमारे बिजनेस में कितने महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से जो बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है। ये सब चीजें जब श्रमिकों के आगे आती हैं तो श्रमिकों को भी लगता है अरे हम तो वास्तव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसकी, उस बिजनेस की जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो श्रमिकों के मनोबल में भी यहाँ इस तरह से क्या वृद्धि होती है। और 8 हेडिंग्स यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। देखिए कितनी सरल हेडिंग्स मैंने बनाई है और टोटल मैंने 15 हेडिंग्स दी है। भूलो कहां तक भूलोगे फिर भी काम के लिए बहुत कुछ आपको रह जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखो नवीन सूचनाओं को प्रदान करना, एक दूसरे के लिए नई सूचना देना, व्यापार के विस्तार में सहयोगी, व्यापार को और बड़ा करने में सहयोग देता है, ग्राहकों को सुविधाएं, घर बैठे हम सूचनाएं उनके लिए मैसेज करते रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं, समय और श्रम की इससे क्या होती है? बचत होती है। कर्मचारी को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, प्रबंधकों को सूचना उपलब्ध होती है और प्रेरणा देने का कार्य जो है वो भी इसी का है, किसका? व्यावसायिक संप्रेषण का। श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि भी होती है किससे? व्यावसायिक संप्रेषण से ही। अब बात होती है कि यहाँ के बाद अब नवे नंबर पे आता है समन्वय कार्य। समन्वय कार्य कहते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है? सहयोग एक प्रकार का यो होता है। जैसे उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अगर ये एक दूसरे से मिलकर के काम नहीं करेंगे तो उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सब मिलकर के काम करें तो उनको उचित निर्देश देने का जो कार्य होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का ही होता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्शन के लिए जो जो उसमें संलग्न व्यक्ति हैं या जो जो साधन हैं उन सबको सूचनाएं दे करके और उनको एक दूसरे से जोड़े हुए रहते हैं। तो समन्वय का कार्य है। बिक्री में वृद्धि। देखो ये बिक्री में वृद्धि का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा एक प्रकार से अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज करना है। तो देखो इसमें दो काम किए जाते हैं, एक तो हमारे पुराने जो ग्राहक हैं वो हमसे ना रूठे और नए ग्राहक जितने मतलब बढ़ा सकें हम लोग उतने बढ़ाते हुए चले जाएं, तो इस तरह से हमारी बिक्री में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। भाई पुराने वाले वो हमसे जुड़े हुए, नए वाले और जो जुड़ते चले जाएं वो हमें छोड़ के नहीं जाएं, तो इससे क्या होगा? बिक्री में 100% वृद्धि होगी। आगे है पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध। देखिए पूर्तिकर्ताओं का जो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्तिकर्ता कहते किसके लिए? जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में सहयोग करने वाले लोगों के लिए हम पूर्तिकर्ता का के रूप में ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पेन का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के पास में हम बार बार नहीं जा पाएंगे। हम अपने घर पे हैं, अपनी शॉप पर हैं, अपने बिजनेस में हैं और इस कंपनी का जो एजेंट है वो हमारे पास में आएगा और वो बोलेगा कि हाँ ये पेन आप परचेज करिए और इसको सेल करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पेन को सेल करने से पहले जो व्यक्ति हमसे मिलने आया है वो हमारे पूरे के पूरे यहाँ के मैसेज को लेगा और कंपनी को देगा और वहाँ से फिर वो कंपनी है वो हमारे लिए माल की सप्लाई देती रहेगी।
तो हमारी जितनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी, हमारे बात करने का जितना अच्छा ढंग होगा, हमारा जितना अच्छा तरीका होगा समझाने का, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारे लिए सप्लाई मिलती रहेगी। सो गाइस यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध, ये कम्युनिकेशन का ही कार्य है। अगला है व्यवसाय की ख्याति। ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि के लिए। आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी जहां पर आप रह रहे हैं वहां कुछ लोग बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो एक लंबे समय से बिजनेस कर रहे होते हैं इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, ईमानदारी से बिजनेस कर रहे होते हैं इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हुए इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यवसाय की ख्याति में भी बिजनेस कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण रोल है। जिसकी सूचना समय पर आती है, समय पर दी जाती है, समय पर जवाब दिए जाते हैं, समय पर सुन लिया जाता है, तो ग्राहक उनसे 100% संतुष्ट होते हैं और ऐसी कंडीशन में व्यवसाय की जो ख्याति है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। अगला है योजनाएं बनाने में सहायक। देखो प्लानिंग करने में जो बिजनेस कम्युनिकेशन है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम कल क्या करेंगे, आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस करेंगे, ये सारी चीजें प्लानिंग्स पर डिपेंड होती हैं और कम्युनिकेशन के द्वारा सारी ग्रोथ का हमें पता चलता रहता है। ग्राहक हमसे कितने संतुष्ट हो रहे हैं ये भी पता चलता रहता है, ग्राहकों तक हमारी कितनी पहुंच बनती चली जा रही है ये सारी चीजें मतलब जानकारी मिलती चली जाती है। तो योजनाएं बनाने में ये क्या है, हेल्पफुल है, सहायक है। अगला है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। बहुत सी ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनको समय समय पर गवर्नमेंट के लिए देना होता है, तो ऐसी कंडीशन में व्यावसायिक संप्रेषण का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। देखो पूरी तिमाही में कितना हमने सेल किया, कितना हमारा आउटपुट निकला, कितना हमने लाभ कमाया, उस पर हमें GST पे करना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंड करनी होगी किसी न किसी के लिए, तो यहाँ पर वैधानिक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति भी होती है। अगला है समाज को अधिक संतुष्टि। जब हमारा कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा होगा, जब किसी कंपनी का या किसी संस्था का बात करने का लहजा अच्छा होगा, तरीका अच्छा होगा, सूचनाएं देने में बिल्कुल देरी नहीं हो रही हो, तुरंत हैंड टू हैंड जवाब अगर आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में समाज भी अधिक से अधिक संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर समन्वय कार्य, बिक्री में वृद्धि, पूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध, व्यवसाय की ख्याति, योजनाएं बनाने में सहायक, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज को अधिक संतुष्टि, ये और हेडिंग्स इसमें बाकी हमने जोड़ी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा और एग्जाम में ये 100% आना ही आना है। अगर आप इसको पूरे को देख लेते हो तो 100% मैं बताऊं कि इसके जो कार्य हैं आपके रट जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।